तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UK07। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में, जो कि आप सबका चैनल है। एंड मैं आपको प्रोड्यूस करता हूँ कि अच्छे से अच्छे आपको क्वालिटी मिले। अभी मैंने थोड़ा अपग्रेड किया हुआ माइक के ऊपर, तो लेट्स सी। अभी आप देखो मेरी सिटी राइड। तो यार गाइस, क्या होता है कि जो मेरा माइक है वो वहाँ पे बंद हो जाता है, उसका विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसका ऑडियो बंद कर दिया ऑडियो। तो यार गाइस, क्या होता है कि जो मेरे आगे सामने जो स्विफ्ट कार चल रही है, देन देखो क्या होता है, अभी वो सडनली ब्रेक मार देती है। एंड जो वो गलती है वो स्विफ्ट वाले की नहीं होती, गलती होती है जो ये ट्रक वाला होता है साथ में चलता है, उसने स्लोली ओवरटेक किया वहाँ से, एंड आगे रोड ख़राब था तो स्विफ्ट वाले ने ब्रेक मार दी। तो जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यार, जो मेरा ABS है कितना अच्छा वर्क किया उसने, मतलब कि ABS जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जो ABS है टाइट जब ब्रेक मारोगे तो वो प्रॉपर वर्क करेगा एकदम, तो टायर स्किड भी नहीं होगा, है ना, एकदम प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये था मेरा फर्स्ट, जो कि ABS ने जो थोड़ा बहुत गिरने से बचा लिया, चाहे कुछ भी कहो आप, आपको दिख रहा है वैसे भी, आप देख के समझदार हो, आप देख सकते हैं। तो ये है कि यार थोड़ा मेरा जो माइक था, मैंने इतनी मुश्किल से सेटअप किया था, लेकिन बट अभी भी उसमें मिड में लगा था विंड ब्लास्ट जो उसमें आ रहा था। अब मुझे लग रहा है कि मुझे हेलमेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिन गार्ड नहीं है ना, तो इसलिए उसमें क्या पता कि विंड ब्लास्ट, तो मैं देखूंगा एक बार पूरा, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे सेकंड चीज़, यहाँ पे एक ऑल्टो कार खड़ी होती है साथ में, फिर आप देखो क्या होगा, आपको खुद पता लगेगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे सामने एक ऑल्टो कार खड़ी होगी लेफ्ट साइड में, एंड वो सडनली मेरे आगे से ही मुड़ने लगेगा, देखना। अभी जो क्या होता है कि यार ABS हर बंदे को लेना चाहिए ABS, ठीक है ना। थोड़ा सा आप 2-3 हज़ार रुपये और खर्च दोगे तो आपका ABS बन जाएगा यार अपनी लाइफ पहले ऐसे। तो यार गाइस, यहाँ पे देखो जो ऑल्टो गाड़ी है, देखो उसने सडनली टर्न ले लिया, एंड यहाँ पे I-20 भी थी, तो दोनों की गलती है, I-20 और ऑल्टो वाले की। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अंकल को बोल रहा हूँ कि अंकल जी देखो, आपने गलत जो टर्न लिया है, इसकी वजह से मैं नीचे गिर सकता था। तो अंकल बोलते हैं गलती आपकी भी, आप स्पीड, भाई देखो मैं स्पीड में कहा रहा हूँ, पता है आपको नॉर्मल सिटी में कितनी राइड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस मैंने कहा कि अंकल को थोड़ा ध्यान से चलाइए, तो बस मैंने निकल गया यहाँ से, तो मैं भी यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। तो गाइस, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जो ABS है वो लेयर एकदम सही होता है यार, ABS जो आप लोगे बाइक में। कोई कोई बंदा ये होता ना कि भाई बहुत महंगी है जो ABS वाली, भाई महंगी महंगी कुछ नहीं है, सेफ्टी आपकी पहले है, देन फिर आप जो भी करोगे राइड वगैरह, ठीक है ना। तो गाइस, इसलिए जो ABS वाली आपको कोई भी जो भी चीज़ मिल रही है, स्कूटी मिल रही है, बाइक या स्कूटर जो भी आप ले रहे हो, तो यार आँख बंद करके आपको ABS वाली लेनी चाहिए। आपको पता है हर चीज़ आजकल एक्सीडेंट वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो ABS लाइफ सेफ है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ABS वाली ही लेनी है, ठीक है। तो देन आप कोई स्टंट वगैरह मारते हो कोई खाली जगह पे, तो ये है कि आप इसके फ्यूज़ वगैरह निकाल सकते हो, एंड देन आप उसको लगा भी सकते हो। मतलब अगर आप फ्यूज़ निकालोगे ABS का, तो ABS ऑफ हो जाएगा, जब आप फ्यूज़ लगाओगे तो देन जो ABS है वो वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो यार यही थी, मैंने आपको बताई कि मतलब दो चीज़ें हुई आज, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, एंड अभी आप आगे चलना है। एक ओल्ड अंकल थे, लिफ्ट मांग रहे थे मेरे से, देन उनको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था, तो भाई मैंने रोक दी वहाँ पे बाइक, एंड उनको थोड़ी लिफ्ट भी थी। यहाँ पे क्या होता है कि अंकल होते हैं वो लिफ्ट मांगते हैं, उनको कोई दे नहीं रहा होता, तो मैं थोड़ा रुकता हूँ यहाँ पे। थोड़े बड़े अंकल मेरे से सीनियर सिटीज़न, तो रुका मैंने, तो उनको उन्होंने पहले देखा कि बाइक में जगह है कि नहीं बैठने की, क्योंकि जो पीछे वाली जगह होती है वो ज़्यादातर, मतलब कि अब अंकल हैं तो उनको पता नहीं है कि आजकल कौन कौन सी बाइकें आ रही हैं वैसे, तो जो पीछे वाली सीट होती है वो टूरिंग की बाइक, टूरिंग के लिए, तो पिछड़े सामान बांधने के लिए, बट थोड़ी देर तक हम राइड कर सकते हैं। पीछे बैठ के जो हमारा होगा पिलियन, जो हमारा राइडर होगा, जो हमारे साथ होगा बंदा, वो थोड़ी देर तक इसमें बैठ सकता है। एंड मैंने फिर अंकल को बोला, अंकल आप थोड़ा बहुत मुझे पकड़ लो, मतलब कि क्योंकि फर्स्ट बार बैठे हो आप इसमें। तो देन क्या हुआ कि फिर थोड़ा बहुत छोड़ा उनको मैंने आगे तक, ठीक है, आगे तक मैंने छोड़ा उनको थोड़ा बहुत। क्या था कि मेरे को थोड़ा आगे से मुड़ना था अपने घर की तरफ, ठीक है ना। तो उनको मैंने वहाँ पे छोड़ा, तो अंकल ने बोला कि भाई थैंक यू भाई, ठीक है ना, थैंक यू वगैरह बोला। इससे क्या होता है कि यार अच्छा लगता है कोई आप जिसकी हेल्प करो, एंड आपको कोई थैंक यू वगैरह बोले, आप खुशी होती है एक। तो गाइस, जो भी आपको कोई दिखे, किसी की बाइक वगैरह बंद हो गई है, कोई ऐसी दिखे मतलब कि जिसको आपको लग रहा है कि भाई हाँ भाई इसकी मुझे मदद करनी चाहिए, तो देन आप करो यार, अच्छा लगता है मदद करके। तो बस यही बताना था आपको लास्ट वीडियो में, एंड
अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। यार सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं जा रहे आपके, बस ये है कि यार थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो। और मैं और भी अब मैं माइक माइक नहीं एंड क्या बोलते हैं, अब आप सब्सक्राइब करोगे मैं अपना एक नया हेलमेट लूँगा, ठीक है ना। तो उसमें तो अच्छा सा तो यहाँ पे अंकल बोलते हैं थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। मैंने इधर ही जाना था ना तभी, तो फिर मैं यहाँ से मैंने इधर ही जाना था राइट साइड से। तो चल तू मैं अभी घर अपने, तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते दोस्तों, स्टे सेफ, ठीक है। राइट अच्छे से करो, राइट जिंदगी स्लो बाइक चलाओ एंड राइट अच्छे कर लो, इसके लिए जय हिंद गाइस, ठीक है। To the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies.